कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे हेलो एल्केन। आपको हमने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया था, उसके बाद आज आपको हम बताएंगे सेकंड पेपर से। हमारा पहला टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज। हेलो एल्केन और हेलो एरेंज क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन शब्दों की। हेलो एल्केन, जो हमारा हेलो और एल्केन है, ये दो शब्द से बना। हेलो मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरटीन, यानी हेलो एल्केन जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। हमारा है हेलो मतलब हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरटीन, ये हो गए हमारे हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्गत। अब बात करते हैं एल्केन की। एल्केन मतलब कोई मेथेन, मेथेन यानी एल्केन का सूत्र होता है CN H2N+2, ये हो एल्केन हो, यानी हाइड्रोजन हो और एल्केन हो तो हमारा हेलो एल्केन होगा। तो एल्केन का सूत्र होता है CN H2N+2। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्केन के अंदर हमारा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आएगा। तो मेथेन का सूत्र CH4, एथेन का सूत्र C2H6 और प्रोपेन का सूत्र C3H8, ऐसे ब्यूटेन का C4H10, ये हमारे हो गए। तो हाइड्रो एल्केन हमारा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की, इस टॉपिक की एल्किल हाइलाइट कैसे कहते हैं और हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक को हाइड्रोजन व्युत्पन्न या हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरीन कहते हैं। यानी कोई हाइड्रोजन परमाणु है हमारा या किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित करते हैं, उसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोएल्केन। तो हाइड्रोएल्केन किसी बेस पर रख लें, हमारा कोई हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन में हमने ले लिया CH4 यानी मीथेन, मीथेन ले लिया हमने। इसमें क्या करेंगे, यानी एक हाइड्रोजन यक्स, यक्स मतलब यहाँ है, क्या करते हैं जोड़ देंगे, यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमें प्राप्त क्या हुआ यहाँ पे, CH3Cl, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दिए और इसमें से कोई एक क्लोरीन को हमने मान लिया एड कर दिया इसमें। तो हमें यहाँ मेथेन था हमारा, एक हाइड्रोजन हमने इसमें से निकाल दिया और एक क्लोरीन यानी कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। तो ये हमारा मेथेन से हमारा मिथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ गया ना हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब हाइड्रोजन परमाणु और एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर बात करते हैं एल्किल हाइलाइट की, अभी तो बात हमने किया, हमने बात किया इनकी कि ये क्या है, एल्केन हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और कोई एक्स परमाणु या क्लोरीन परमाणु जोड़ दें तो हेलो एल्केन हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे देख लें C2H6, ठीक है, C2H6 ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वही यौगिक, हाइड्रोकार्बन समझ लीजिए वही यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से एक आलंबन से आबंधित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी में इसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एक कार्बन को कहते हैं मिथ, दो को कहते हैं यथ, F+N = एथेन। तो एथेन में क्या करते हैं, वही क्लोरीन परमाणु जोड़ देंगे हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन निष्कासित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, क्लोरीन को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा C2H5। एक हाइड्रोजन निकाल देगा, सीएल जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा C2H5Cl। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरो एथेन। हाइड्रोजन नामकरण करने के लिए कौन सबसे पहले लेते, तो क्लोरीन है तो क्लोरो यानी हाइलो, समझो ये होते हैं दो चीजें हमारी, ये हाइलो और हाइलाइड। हाइलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो
समझ गया आपको, यानी हम हाइलो की बात करें तो ये हमारा आईपीएससी नामकरण में चला जाता है। अगर साधारण बात करेंगे क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमिन तो ये साधारण में आ जाता है। तो हाइलो मतलब अगर हमने तो हाइलो मतलब क्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रेट हो और हैलाइड मतलब होता है क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड, ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यानी एथेन में से हम एक क्या निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकाल दिए, क्लोरीन जोड़ दिए तो हमारा क्लोरोएथेन हो गया। अब इसी को यानी इसी में हम इसको इसको एथेन में से हम निकाल रहे हैं, तो इसको साधारण भाषा में क्या कर सकते हैं, यानी एथिल और क्या करेंगे हैलाइड को क्लोराइड क्लोराइड, तो हमने कहा एथिल क्लोराइड, तो इसको हम क्या कहते हैं यल्किल यल्किल हैलाइड। अब यल्किल हैलाइड कैसे, यल्किल मतलब मेथिल एथिल, तो ये एथिल के रूप में C2H5 यानी एथिल के रूप में है, और हैलाइड मतलब क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड ये। तो आप फिर से समझिए कि अगर हम बात करें कि हैलो एल्केन की, तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो उसमें एल्केन जुड़े हो तो हमारा हैलो एल्केन होगा। अब हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को ले लें और एल्केन में मीथेन एथेन प्रोपेन हो जाए। अब अगर बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, ये बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, जिसे हमने यहां लिखा एल्किल हैलाइड करते हैं, तो एल्किल हैलाइड मतलब ये एल्किल हैलाइड मतलब हमारा हो जाएगा CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl ये हो जाएंगे। एल्किल मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल और हैलाइड मतलब क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो आपको हमने बताया हैलो एल्केन के बारे में, तो एक छोटी सी टाइप की हैलो एल्केन है जिसपे हम बहुत ज्यादा जिक्र कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। आप इन सभी वीडियोस को देखिए और लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।